नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ऑनलाइन में। दोस्तों, मैं शशांक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदू परंपराएं और उनके वैज्ञानिक तर्कों के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदुओं में बहुत सारी परंपराएं हैं और हम में से बहुत लोग कहते हैं कि इन परंपराओं का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि विज्ञान भी हमारे हिंदुओं की कुछ परंपराओं के बारे में क्या कहता है। चलिए बात करते हैं इन हिंदू परंपराओं के बारे में। भारत परंपराओं का देश है। हमारे देश में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं और इन्हीं परंपराओं रीति रिवाजों की वजह से दुनिया में भारत का एक अलग आकर्षण है। ये परंपराएं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, जबकि आज भी बहुत से लोग इन परंपराओं को ऐसे ही निभा रहे हैं। अगर आप इन परंपराओं को गहराई से देखें और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने गहन अध्ययन करके मनुष्य के लाभ के लिए इनको शुरू किया था। ये हमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी बीमारियों और समस्याओं से बचाती हैं और इसे वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है और फायदे भी। चलिए बात करते हैं इन्हीं परंपराओं के बारे में। नंबर एक, व्रत रखना, उपवास रखना। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। लोग खास तौर पर महिलाएं अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और फिर सप्ताह में एक दिन या खास मौके या त्यौहार पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें वो पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चलिए बात करते हैं व्रत के वैज्ञानिक तर्क के बारे में। धर्म और मान्यताओं के साथ साथ सप्ते में एक दिन व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से और दिन भर में सिर्फ फल खाने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर से हानिकारक तथा अवांछित तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक शोध के अनुसार सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से कैंसर, मुंह तथा हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर दो, पैर छूना, चरण स्पर्श करना। दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि वो भी अपने बड़ों का आदर और सम्मान कर सकें। चलिए बात करते हैं इसके वैज्ञानिक तर्क के बारे में। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में तथा हमारे हाथों से होती हुई उनके शरीर में पहुंचती है और जब वह व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वह ऊर्जा दोबारा उनके हाथों से होती हुई हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा मन में शांति मिलती है। नंबर तीन, माथे पर तिलक लगाना। हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक अवसरों, शादी विवाह त्यौहार या पूजा पाठ के समय चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं इसके वैज्ञानिक तर्क के बारे में। मानव शरीर में दोनों आँखों के बीच में एक चक्र होता है, इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है, जिससे वह नस ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और पूरे चेहरे की मांसपेशियों में बेहतर तरीके से रक्त संचार करती है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है और एकाग्रता बढ़ती है तथा चेहरे पर रौनक आती है। नंबर चार, हाथ जोड़कर नमस्कार करना या हाथ जोड़ना। हिंदू परंपरा तथा भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है या पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना
सम्मान का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं वैज्ञानिक तर्क के बारे में। हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों को सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उन पर दबाव पड़ता है। यह दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सक के अनुसार इसका सीधा असर हमारी आँखों, कान तथा दिमाग पर पड़ता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसका एक दूसरा तर्क यह भी है कि अगर आप हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ना अभिवादन करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु हम तक नहीं पहुंचते। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से एक दूसरे के हाथों का संपर्क नहीं हो पाता, जिससे बीमारी फैलने वाले वायरस तथा बैक्टीरिया हम तक नहीं पहुंच पाते और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे और हिंदू परंपराएं और वैज्ञानिक तर्कों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है, उसे भी बजा दें, जिसकी वजह से आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।